एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकल टिप्स में। आज हम आपके लाए मोनोसैब SB इंजेक्शन 1 ग्राम इंजेक्शन है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और कौन सी कंपनी बनाती है, कितने MRP का मिलता है, क्या मैन्युफैक्चर डेट है और क्या एक्सपायरी डेट है, सब बताएंगे फ्रेंड इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, फ्रेंड आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप जानकारी का फ़ायदा उठा सकें फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं मोनोसैब SB इंजेक्शन है 1 ग्राम का। ये सबसे पहले तो उसकी कंपनी की बात करते हैं, ये देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है अरिस्टो कंपनी का होता है। उसके कंटेंट की बात कर लेते हैं, इसमें सिफ्राटेक्सोन और सेल्बेक्टम दिया गया है। कितना दिया गया उसकी बात कर लेते हैं। इसका जो सिफ्राटेक्सोन दिया है 1000 mg दिया गया है इसमें, और सेल्बेक्टम दिया गया है 500 mg, यानी 1500 mg इंजेक्शन को। अब फ्रेंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात कर ले, इसकी डेट है जून 2019 में बनाया गया है। इसका एक्सपायरी हो रही है मई 2021 में। और इसकी MRP भी बात कर लेते हैं। MRP है आप 145 रुपये का, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, मिल जाएगा बहुत आसानी से, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। इसे कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करना, मतलब कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड जो लोगों को टाइफाइड वगैरह हो जाता है, दिमागी बुखार हो जाता है और बुखार बहुत समय से आ रहा है, बुखार उतर नहीं पा रहा है, बुखार की वजह से पैरों में दर्द रहता है, तिलियाँ अटती हैं, मुँह कड़वा रहता है, शरीर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है। बुखार टाइफाइड जब बन जाता है तो खाना नहीं खा पाता है इंसान, लीवर डैम हो जाता है, टाइफाइड जो करता है लीवर डैम, उन सब कंडीशनों में मोनोसैब SB इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड जैसे कि आपको खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसी काली खांसी आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आ रही है, बलगम आ रहा है और खांसी जानी रही, लंबे समय से खांसी आ रही, दवा खा रहे हैं, तब उन कंडीशनों में मोनोसैब SB इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इंजेक्शन है इसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना। जब बैक्टीरियल आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा बॉडी में तभी आप ठीक होगे। अगर वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रहेगा तो आप सही नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपका वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है फ्रेंड। बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन को। और फ्रेंड जिन लोगों के लिए मतलब आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या आपकी दाढ़ जो है पक जाती है, इसमें पस हो जाता है, तो उसको सुखाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि गले में इन्फेक्शन हो गया, गले में खराशें पड़ रही हैं और गले में सूजन आ गई है, जूता ठंड गर्म हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा गला बैठ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जो एंटिक निमोनिया होती है उसको भी ख़त्म करने के लिए मोनोसैब SB इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड जिन लोगों के मतलब यूटरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब जिन लोगों के लिए पेशाब आती है, पेशाब बहुत ज़्यादा जलन से आती है, पेशाब आ रही है, पेशाब में जलन आ रही है और पेशाब में खून आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उन सब बीमारियों को ख़त्म करता है, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। जैसे कि आपको सफ़ेद पानी वगैरह आ रहा है, लेडीज़ को दिक्कत हो जाती है, लेडीज़ के पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, सूजन आ जाती है, पेट में भारीपन हो जाता है, और आपके पेट में कैसा भी इन्फेक्शन हो कोई तरीके का, उस उन सबको बहुत जल्दी ख़त्म करता है इंजेक्शन, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। जिन लोगों की फ्रेंड एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और जिनका जख्म जल्दी नहीं भर पाता है, मतलब पकने लगता है, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनका जख्म पकने लगता है, तो उनको बहुत जल्दी जख्म भरता है उन पेशेंट के लिए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या ज़्यादा घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, या जख्म जो बहुत पुराना हो गया है सही नहीं हो पा रहा, बहुत जल्दी जख्म सही करता है, पस पड़ जाता है, वो पस को बहुत जल्दी सुखाता है ये इंजेक्शन मोनोसैब। तो इन सब कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। एक बात बता दूं फ्रेंड, अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें या करवा रहे हैं अपने पेशेंट को, तो बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं, घर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना है, डॉक्टर से इंजेक्शन को लगवाना है। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट मिलेंगे आपको उल्टी आ सकती है, दिल मचा सकता है और लैट्रिन वगैरह आ सकती है, डायरिया बन सकती है और सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ये कुछ साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, ये हर किसी को देखने को नहीं मिलता। रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें मोनोसैब SB का, तो आप डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें, वैसे आप इस्तेमाल ना करें। इससे फ्रेंड IV और IM यूज़ किया जाता है, इसे आप ज़्यादातर IV डॉक्टर मोनोसैब SB इंजेक्शन को ज़्यादातर डॉक्टर IV ज़्यादा लगाते हैं, IM बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। और जो डोज है आपको इसे खाना खाने के बाद ही लेना है, सुबह शाम ये डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको, आपकी कंडीशन कैसे चाहिए आपको और मतलब कितने टाइम लगवाना है तो डॉक्टर ही बताएंगे। पहले अगर आप नॉर्मली मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो आप 24 घंटे में एक बार इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, शाम की शाम या सुबह शाम आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, बहुत ही शानदार इंजेक्शन है अपने, डॉक्टर की सलाह से ही लगवाना है इसको, आप वैसे इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं आपको ये खोल कर दिखा रहा हूँ कितना बड़ा होता है, ये देख सकते हैं फ्रेंड, स्टेप से ये इंजेक्शन होता है फ्रेंड, ये देख सकते हैं फ्रेंड वाटर होता है और ये 10 ml का वाटर होता है। इसको स्टिल वाटर को इसमें मिलाना होता है, इसको मिला के 10 ml की डिस्पो लेना पड़ती है, सिरिंज लेना पड़ती है, फिर उसके बाद इंजेक्शन को लगाया जाता है IV, बहुत ही स्लो इंजेक्शन लगाया जाता है फ्रेंड। IV पेशेंट देखभाली करी जाती है पेशेंट की, तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है फ्रेंड।
ठीक है, वीडियो में इतना ही फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और दवाई की ऐसी अंग्रेजी दवाई की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।